मानवीय साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया तीन तीन बार बार विधायक हो, हम खुद भी समझता हूं, यहां बैठे लोग भी समझते होंगे। बस इतना है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं मौका मिल पा रहा कि राजपाल जैसल को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। चूंकि आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन मनाने का काम करने जा रहे हैं सब लोग यहां पे, जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि जो साथी यहां पर उपस्थित है सभी मानव साहब के इतिहास को जानते हैं, उनके संघर्षों को जानते हैं। अभी हमारे सम्मानित साथी सबसे पहले जब बोल रहे थे भाई राम कुमार कुशवाहा जी, भाई बाबू लाल भौरा जी ने भी इस पर कुछ बोलने का प्रयास किया कि हमारे साथी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मानव साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो साथियों चेहरे तो हैं, भाई भौरा जी खुद हैं एक चेहरा, भाई घनश्याम जी भी हैं, हम भी उसी में से एक हैं कि जो मानव साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और साथियों मानव साहब के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि मानव साहब ने हमें उस काम के बदले टिकट देकर के और विधानसभा में भेजने का काम किया। इतना ही नहीं किए थे, बल्कि वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने केपी ग्राउंड में 5 लाख की भीड़ में मानवर कांशीराम साहब ने उठा करके कहा था ये हमारा आज से राजा मांडा है, इतना बड़ा उन्होंने सम्मान देने का काम किया था। हमें पता है जब चुनकर के गए थे मानवर साहब बैठे थे, हमको बुलाए और हंसते हुए कहे कि जैसल तुम कोल होते तो तुमको मंत्री बना देते, तब चमार हो बहन जी तो मुख्यमंत्री बन ही रही है। हमने कहा कोई बात नहीं साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों वास्तव में मानव साहब की परख और मानव साहब की मेहनत को आप लोग सब जानते हैं कि पूरे देश में साइकिल से चल करके इतना बड़ा मजमा खड़ा कर दिया उन्होंने। और आज जब पूरे सूबे से लेकर पूरे देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं और इस बड़े सूबे के तीन तीन चार चार बार मुख्यमंत्री भी बना चुके हैं, लेकिन आज मानवर साहब की सोच, वो चाहे हम हो चाहे जो हो, उनकी सोच पे कोई चलने वाला नहीं है। सच बात है कि अगर मानवर साहब और दिन तक रह गए होते तो इस देश का नक्शा बदल गया होता, और गारंटी के साथ अगर मानवर साहब नहीं होते तो घनश्याम पटेल बाबूलाल भौरा यहां न रहते, अब तक ये लोग भी कहीं ना कहीं प्रदेश और देश में राजनीति करते, हमें पता है। लेकिन आज वो राजनीति नहीं रह गई है, हम लोग भी उसी से पीड़ित है। मानवीय साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया तीन तीन बार बार विधायक हो, हम खुद भी समझता हूं, यहां बैठे लोग भी समझते होंगे। बस इतना है कि हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं मौका मिल पा रहा कि राजपाल जैसल को भी पार्टी से बाहर कर दिया जाए। आजकल की यह राजनीति है, किसी से सम्मान की जरूरत नहीं है, कितना पुराना है क्या काम कर रहा है उसका मतलब नहीं है। जब मानव साहब थे तो काम की गणना करते थे, हमें पता है जब हमें चुनाव में टिकट में लोगों ने विरोध किया था, मानव साहब ने किस शब्दों से उसका जवाब दिया था वो यहां कहने लायक नहीं है, वो यहां कहने लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानव साहब की सोच बहुत अजीब थी, न्यायप्रिय थी, सब जानते थे। राजबली जैसल कोई करोड़पति नहीं थे, वो एक वोट और एक नोट के चक्कर में राजबली जैसल को टिकट देने का काम किया था, और एक वोट एक नोट ही राजबली जैसल को विधायक बनाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग इतने आगे बढ़ने के बाद भी, टूटी साइकिल से फॉर्चूनर, फॉर्चूनर से हवाई जहाज चढ़ने के बाद भी हमारा समाज और नीचे चला जा रहा है। आखिर उसकी वजह का भी तलाश किसी दूसरे को नहीं करना है,
हमें आपको करना है। और जब तक उसकी तलाश सही कर पाएंगे, उन्हें गारंटी है कि माधवीय बहन जी को सिर्फ भाषण देते रह जाएंगे, पार्लियामेंट में इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे। अगर वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो हम लोगों के सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मानवर कांशी राम जी के संघर्षों को उतारना पड़ेगा, उनके संघर्षों पर चल करके ही हम आने वाले समय में बहन जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसलिए मानवर कांशी राम के जन्मदिन के अवसर पे हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अब भी समय है, अब भी वक्त है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना छोटा कार्यकर्ता हो, सबके मन में एक बात होनी चाहिए, हर समाज को जुड़ना। अभी भाईकल साहब पटेल जी ने बताया ओबीसी समाज के बारे में बताया, हम भी जानते हैं मंडल आयोग कैसे लागू हुआ है। श्याम पटेल जी, हम लोग भी मंडल आयोग लागू कराने में दिल्ली कई बार कोशिश किए हैं लोगों को ले जाकर के। इसलिए साथियों, वास्तव में लोगों के बीच में बताना पड़ेगा, दलित समाज के लोगों को भी बताना पड़ेगा, आज दलित समाज में भी कितनी जातियां हैं हम सबको नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका वजह है कि हम आज इतना कमजोर हैं। इसलिए ऐसे जन्मदिन के अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि हर समाज के लोगों के बीच में जाने की जरूरत है और छोड़ने की जरूरत है। अगर हम चल करके छोड़ लिए तो 2024 में आदरणीय बहन जी को जरूर प्रधानमंत्री बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।